हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में। तो देखिए जी, सुबह के ना 9 बज चुके हैं और बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं। नाश्ता पानी सबका हो गया है और नाश्ते के बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दी, और जी घेर में भी मैंने चाय पुछवा दी है और मैंने भी नाश्ता कर लिया है, पूजा पाठ कर गए। तो जी अब चलते हैं छत पे। छत पे फर्स्ट फ्लोर पे जो है बच्चे सोए हुए थे, वहाँ पे कपड़े इकट्ठे करने हैं और झाड़ू लगानी है सारे को। तो जी क्योंकि वहाँ भी साफ़ करना ज़रूरी है, जब बच्चे लेटते हैं खेलते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं। सबसे पहले तो मैं छत पे साफ़ सफाई करके आऊँगी और उसके बाद लगूँगी नीचे, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर काम करने में लगी ना तो मेरे छत पे जाने में मुझे लेट हो जाएगा और फिर मुझे आलस आ जाएगा। यानी कि फिर ना सुबह सुबह ठंड ठंड में वहाँ काम कर लो तो कर लो, फिर वहाँ गर्मी हो जाती है क्योंकि धूप आती है सुबह ही निकलती है। सबसे पहले मैं छत पे साफ़ सफाई करके आऊँगी, उसके बाद मैं आराम से नीचे का काम निपटा हो जाऊँगी, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है छत की कि हाँ छत पे भी साफ़ सफाई करनी है। तो ये चलिए पहले छत पे साफ़ सफाई करके आते हैं, उसके बाद लगेंगे ग्राउंड फ्लोर पर साफ़ सफाई में। सबसे पहले बिस्तरे इकट्ठे कर दिए और ये बिस्तरे रख देते हैं अंदर टेबल पे, क्योंकि बच्चे सब यहीं सोते हैं सुनील भैया और भाभी जी के साथ में। और गद्दे बिछा के कुछ बच्चे नीचे लेट जाते हैं, कंबल वंबल ले लेते हैं, एसी चलाते हैं तो ठंड भी लगती है रात में, तो बहुत सारे बिस्तरे हो जाते हैं यहाँ। और बच्चे तो सुबह जागते ही अपने स्कूल के लिए रेडी होने के लिए नीचे दौड़ जाते हैं। चूँकि आज भाभी जी घर पे नहीं है तो वो अक्सर वही कपड़ा इकट्ठा कर देती थी, झाड़ू कर देती थी, तो आज भी नहीं है तो प्रीति को साफ़ सफाई करना है ऊपर। तो कमरे के अंदर बिस्तरे वगैरह इकट्ठा करके, कमरे में तो खैर मैट बिछा रखा नीचे, और फूल झाड़ू से सफाई करके कमरे के अंदर की सफाई करके कमरा बंद कर दिया। उसके बाहर बरामदे में थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि बरामदा तो बाहर बिल्कुल ओपन है, बाहर से धूल मिट्टी आती है दिन में हवा के साथ, तो बरामदा में ज़्यादा गंदा होता है। तो जी फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा क्लीन हो चुका है, बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, कमरा भी साफ़ कर दिया है, और ऊपर ना कुछ बर्तन रखे थे, रात बच्चों ने चाय वाय पी होगी और कुछ खाना वाना खाया होगा, तो जी वे भी मैंने यहीं पे साफ़ कर दिया है। अब मैं नीचे ले जाकर रख दूँ। अब लगते हैं नीचे के कामों में, नीचे की क्लीनिंग और डस्टिंग करेंगे और फिर जब तक लाइट आ जाएगी कपड़े धो लेंगे। लाइट का भी ना गर्मी में ऐसा रहता है कि बार बार भागती रहती है, बार बार आती रहती है तो टिकती नहीं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि ये भी है कि गर्मियों में जो है ज़्यादा लोड होता है लाइट पे, जो है गर्मियों में ज़्यादा ओवरलोड रहता है ना। तो जी चलिए अब लगते हैं नीचे के काम में, और गर्मी बहुत है। कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिया है और अब नीचे की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। अब करूँगी नीचे की साफ़ सफाई, पहले तो सारी बेड शीट वगैरह झाड़ूंगी और शुरुआत करते हैं पूजा वाले कमरे से ही, क्योंकि आज ना मैं जल्दी थोड़ा जल्दीबाजी में थी, सुबह बच्चों को भी तैयार करना था, उन्हें स्कूल में भेजना था, तो जी इसी वजह से मैं इस कमरे में आज साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी, झाड़ू तो मैंने लगा दी थी। अब करूँगी तसल्ली से, बच्चे स्कूल में चले गए हैं, वैसे छोटे वाले बच्चे तो आने ही वाले हो रहे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जी वे 10:30 बजे तक आ जाते हैं। तो चलो जी जब तक जितना काम निपटता है निपटा लेते हैं बच्चों के आने से पहले। नहीं देखो पंप ले रही, और जिधर से हवा भर है वो तो मुँह में दे रखा, और हवा भर रही क्या कर रही? पेट में हवा भर रही, हवा भर के मोटी होगी है ताम तूड़ साहब, ऐसा तो क्या कर रही बेटा, क्या कर रही? पंप था ना, खेल रही थी, थक गई, कहाँ रखेगी? जहाँ से आपका आ जाए वहीं रखेगी, बस वाले में ए लो वहीं रख दिया, वहीं रख दिया। क्या कर रहे थे आप इसते? हवा भर रही थी, कहाँ साइकिल तो है नहीं, कहाँ में भर रही थी हवा? हाँ जी कहाँ यार उसका ट्रैक्टर, वो तो वो टूट रहा बेटा, गिर जाओगे आप उस पर, आ जाओ बारी दे दो आपकी गाड़ी। चलो मैं दे कपड़ा सा वो रखा सिंक, देखो जैसे इसके पापा कर रहे हैं ना साहब बाइक साफ, ऐसे ही कर रही होगी बस साफ, हो ही नहीं बिल्कुल ही, चमकाओगी
कहा लेके जावे साफ करके? चलाओ गाड़ी को और का करो। वही रख दिया। कम बोल ले करो आप। हैं? चलाओ वैसा घुमा के चलाओ। पहिए निकाल दिए सारे। ये देखो काय से खेल रही। क्या कर रहे हैं आप इसका? बर्तनों का टोकरा उठा के ओली दो चक्कर काट लो। क्यों काट रहे चक्कर आप इसके? दो चक्कर काट लो। एक्सरसाइज कर रहे क्या? मम्मी इतनी गर्मी हो रही है और गरम भी चाहिए। मम्मी घर में दोपहरी में इतनी बढ़िया हवा चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा आज नहीं चल रही बेटा कहीं भी? इसे वहीं रख दे। आ जा रखिए। इसे कुछ ना काम करने कुछ आवे है देखो, चाहे सही हो चाहे गलत हो। आ जा बेटा। तो जी हमारे शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है और इसमें बना आज हम शाम के खाने में बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च जो है सब्जी मंडी से ला के रखी थी। और साथ के साथ चाय भी पी लेते हैं क्योंकि देखो अंधेरा होने लगा है, 6 बजे है और दिन बहुत ज़्यादा डल गया और एकदम अंधेरा ही दिखेगा। तो चलो जी काट लेते हैं अपनी सब्जी। ना होमवर्क करने के बाद बच्चों का हो गया है ना खेलने का टाइम। ये देखो नंदनी स्कूटर चला रही, आरुष अपनी बास्केटबॉल से खेल रहा। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। जब तक मैं सब्जी तैयार करूंगी ना तब तक माँ ने ना चूल्हे में जीना लगा के दूध रख देगी माँ, और फिर मैं सब्जी छोक दूंगी सब्जी तैयार करके। और उधर आरुषि मेरी हेल्प करवा रही, टमाटर और हरी मिर्च ला के दी उसने मुझे, दो गए। चलो आप भी खेल लो हैं, रख दो बेटा मिर्ची लग जाएगी हमारा उसमें हाथ में, हाथ में मिर्च लग जाएगी, रख दे इसमें ही। ये देखो कैसे चला रही स्कूटर। तोड़ दिया है स्कूटर आपने, देखो दोनों गाड़ी चलाने लगे। मैं बोल रही ना माँ कमरे में ना चलाया तो गाड़ी में, तो घर में जाके चलेंगी। देखो दोनों जा लिए बाहर, चला लो बाहर खुले में चला कर गाड़ी देखो। तो जी आज के शाम के खाने में जो है ना हमारी सूखी सब्जी है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और इधर ना दही है, और इसकी मट्ठा लगाएंगे, मट्ठा बनाएंगे, थोड़ा सा घी निकल जाएगा और बच्चों के लिए थोड़ी सी निकाल लेंगे दही, क्योंकि सूखी सब्जी जो है उसके साथ थोड़ी सी मट्ठा हो जाएगी। और अब छोड़ते हैं सब्जी, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और इसमें डाल दिया है तेल। और देखो जी तेल ना कढ़ाई इतनी गर्म होगी थी कि गिरते ही गर्म हो गया। और जीरा इसमें डाल दिया है, अब डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर। तो शिमला मिर्च जो है ये देखिए फ्राई हो चुकी है हमारी, अब इसमें डाल लेती हूँ आलू। माँ ने ना दही लगाने की तैयारी कर दी, जब तक मैं सब्जी बनाऊंगी माँ इसे मट्ठा लगा देगी और फिर रोटी सेक के सबको खाना परोस देंगे। अब इसमें डाल देते हैं आलू। तो जी सब्जी हमारी ये देखिए शिमला मिर्च ने ना पानी छोड़ दिया काफ़ी, और अब इसे ढक के रख देती हूँ। सब्जी ये काफ़ी रहेगी क्योंकि शाम के टाइम ना खाना कम ही खा गए, और
बच्चों के फेवरेट तो आलू है, ये तो बस आलू निकाल निकाल कर खाओगे। कुछ बच्चों के लिए दही निकाल दी, दही और आलू खाएंगे दो रोटी के साथ, और बड़े पियेंगे मट्ठा। और अब इसको ढक देती हूँ। बहुत दिनों बाद, कितने दिनों बाद लस्सी मिलेगी? बहुत दिनों बाद मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। चलो तो आलू की सब्जी और लस्सी, तो इसे ढक देते हैं और आटा बना लेती हूँ। तो जी इधर ना हमारी सब्जी बनकर तैयार है बिल्कुल, और अब इसे उतार देती हूँ। और इधर मैंने आटा लगा लिया है और अब सेकूंगी रोटियाँ। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है, अब इसको उतार देते हैं चूल्हे पे और इस पे रख देते हैं तवा रोटियाँ सेकने के लिए। उधर हमारा दूध भी ना गिल गया, माँ निकाल लगी मक्खन। तैयार है, रोटी अभी सीख चुकी है, अब बस परोसेगी गुड्डू चिंकी और खाना खाएंगे सब। बन रहा है इधर, और उधर पिताजी भाई साहब चाचा जी और कमरे में जो है बच्चे खाना खा रहे हैं। अब हमारा डिनर शाम का खाना हो चुका है लगभग, और साथ के साथ खाते रहते हैं ना, पता भी लगता है। हैं इसके पेट पर कुछ दही क्या? और रोटी खाई भाई है? इन्होंने ना अंकिताज बांध कर बैठा रखा, नु कह जाना नहीं आज बिल्कुल भी। जा, 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 सो जब पर जाना घर जा।